सुर्खियों में रहने वाली कोतवाली पलिया की सम्मानित पुलिस कर रही है धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र रचने वालों पर मेहरबानी। पलिया कोतवाली जो कि जिला लखीमपुर खीरी के अंतर्गत आता है, जो अपने कार्यों को लेकर मीडिया में सुर्खियों में रहती है, जिसको नहीं है डर। सिंघम एसपी विजय डुल का मामला यह है कि वादी मुकदमा यूसुफ इदरिसी, जो कि एक न्यूज चैनल व दैनिक पेपर के संवाददाता भी हैं, उन्हें कई महीनों कोतवाली पलिया के चक्कर लगवाने के बाद पलिया की सम्मानित पुलिस 7 फरवरी सन 2020 को FIR लिखती है। प्रार्थना पत्र वास्ते प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विपक्षी गण के विरुद्ध कार्यवाही कर धनराशि वापस दिलाने के संबंध में मुकदमा 0081 पंजीकृत करती है। प्रार्थी मोहम्मद यूसुफ पुत्र शब्बीर हुसैन निवासी ग्राम भीरा कोतवाली थाना भीरा तहसील पलिया कलां जनपद लखीमपुर खीरी का है। विपक्षी गण मंजीत सिंह पुत्र श्री प्यारा सिंह निवासी ग्राम विक्रम वन कोतवाली पलिया कलां जिला खीरी बलदेव उर्फ सुखदेव सिंह पुत्र जागीर सिंह निवासी महंगापुर कोतवाली संपूर्णा नगर प्रदीप सिंह पुत्र ज्ञान सिंह निवासी ग्राम भैंसौरी फार्म महंगापुर संपूर्णा नगर सुखविंदर सिंह उर्फ मोंटी ब्रांच मैनेजर संपूर्णा नगर जो कि कर्मभूमि ग्रुप ऑफ कंपनीज रियल एस्टेट लिमिटेड प्रथम तल टेरा टावर भूतेश्वर रोड मथुरा के चैनल पार्टनर के रूप में प्रार्थी के पास आकर प्रार्थी गण को रियल स्टेट एजेंट बनाना उपरोक्त कंपनी में रुपए इन्वेस्ट करने व करवाने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रार्थी गण बेरोजगार थे और एजेंट के रूप में काम करने लगे और 150 लोगों का लगभग 25 लाख रुपए वर्ष 2011 से 2016 तक उपरोक्त लोगों द्वारा बनाई गई कंपनी में इन्वेस्ट करवाई, जिसके बदले में उपरोक्त लोगों ने खेती करने योग्य जमीन खरीदी। ब्रांच शाखा कर्मभूमि ओ ग्रुप ऑफ कंपनीज रियल एस्टेट लिमिटेड माल गोदाम रोड निकट रेलवे स्टेशन पलिया से बॉन्ड जारी किया। जब प्रार्थी द्वारा जमा कराई गई बीमा धनराशि की मैच्योरिटी का समय आया तो उपरोक्त चैनल पार्टनर शाखा बंद करके भाग गए। अब प्रार्थी गण व बीमा धारक परेशान होकर भटक रहे हैं और फोन के माध्यम से भी बात नहीं करते। प्रार्थी गण द्वारा बीमित धनराशि ब्याज सहित लगभग 35 लाख बीमा धारकों को वापस करने को कहा तो कर्मभूमि ग्रुप ऑफ कंपनी शाखा के EM मंजीत सिंह पुत्र प्यारा सिंह निवासी ग्राम विक्रम वन ने दिनांक 7/7/2019 को प्रार्थी मोहम्मद यूसुफ को 1,08,000 रुपए का चेक संख्या 419691 पंजाब एंड सिंध बैंक शाखा पलिया दे दिया और शेष रुपए देने का आश्वासन देते रहे और जो भूमि घाटा संख्या 168/0-27130-149/0-44580 आराजी ग्राम भैसौरी परगना व तहसील पलिया कलां जिला खीरी को कर्मभूमि रियल एस्टेट लिमिटेड द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक देवेंद्र पाल सिंह पुत्र नरेंद्र पाल सिंह प्रथम तल टेरा टावर भूतेश्वर रोड मथुरा के नाम उपरोक्त लोगों ने क्रय की थी, उसे लगभग 1 करोड़ रुपए की विक्रय भी कर दिया है। जैसे ही लगभग 1 करोड़ रुपए उपरोक्त चैनल पार्टनर के पास आए तुरंत उसकी नियत बिगड़ गई और जब से जमीन क्रय की थी तब से लेकर अभी तक उस जमीन को बलदेव उर्फ सुखदेव सिंह जोत कर उस पर फसल उगा रहे थे। उस जमीन की देखरेख उपरोक्त सभी कर रहे थे। हम सबसे रुपए लेने के बाद एक बॉन्ड दस्तावेज के रूप में सभी को जारी किया गया, जिसमें कुछ कागज उपरोक्त लोगों ने फर्जी बना दिए, जो कि हम सभी को उस समय इसका आभास नहीं हो पाया था। उसके द्वारा जारी किए गए दस्तावेज हम सभी के पास मौजूद हैं। इस प्रार्थना पत्र पर पलिया कोतवाली की सम्मानित पुलिस ने उपरोक्त चैनल पार्टनर पर मुकदमा दर्ज किया, जिसकी संख्या 0081 जो कि धारा 406, 419, 420, 467, 468 उपरोक्त विपक्षी गण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर मुकदमा पंजीकृत किया। लेकिन अभी तक दिनांक 7 फरवरी 2020 को कोतवाली पलिया में दर्ज FIR नंबर 0081 पर अभी तक विपक्षी गण को ना ही गिरफ्तार किया गया और ना ही उनके विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही की गई। आखिर क्यों? इससे यही प्रतीत होता है कि बेची गई जमीन लगभग 1 करोड़ की थी, जिसका लेन देन नीचे से लेकर ऊपर तक चला। आखिर भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला हो गया, क्यों नहीं लाचार और मजलूम को न्याय मिल पा रहा है? आखिर क्यों शासन की छवि को धूमिल किया जा रहा है?
क्या न्याय व्यवस्था इसी पर टिकी रहेगी कि काफी अथक प्रयास के बाद प्रार्थी की FIR 0081 लिखी जाती है, फिर उसे थाने बुला बुलाकर धमकियां दी जाती हैं, डराया जाता है कि अपनी FIR 0081 वापस ले लो, नहीं तो तुम्हें भी जेल भेज देंगे। अब देखना यह है कि न्यायप्रिय जिला खीरी में पुलिस अधीक्षक के पद पर आसीन मजलूम और असहाय लोगों के दिलों में बसने वाले सिंघम SP विजय डुल ऐसे असहाय और मजलूम लोगों को न्याय दिला पाते हैं या फिर पलिया कोतवाली यूं ही अपनी मनमानी करती रहेगी। संवाददाता यूसुफ इदरीसी की रिपोर्ट।